तब तक के लिए कि हरियाणा में पिछले 9 साल में बल्कि 10 साल होने जा रहे हैं अब विकास के काम, इतना ही कह सकता हूं कि हमने पहले से डबल किए हैं। पिछला जो 10 साल का कार्यकाल था कांग्रेस सरकार का, उससे डबल हमने काम किए हैं। और दूसरी बात इतनी जोड़ता हूं, जितना खर्च वो करते थे उससे आधे खर्च में और हमने अपना काम पूरा किया है। क्यों? जो करप्शन नाम का जो घुण लगा हुआ था, इसको हमने बखूबी दूर किया है, इसको भगाया है। करप्शन अब हरियाणा में नहीं होगी, क्राइम हरियाणा में नहीं होगा, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अर्थात जातिगत राजनीति करने वाले लोगों का अब हमने दूर का रास्ता बना दिया उनको। अब तो प्रधानमंत्री जी जैसे कहा है कि दो ही जातियां काम करेंगी, एक गरीब एक अमीर। हमारा अगर जातिगत काम करने का कोई मन में विचार आएगा भी सही, तो गरीब के हित में काम हमको करना है। ये बोलिए आप सहमत है इस बात पर? तो इसलिए अब हरियाणा, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस आधार पर आगे बढ़ेगा। और हरियाणा की जनता को तो हम कई बार सोचते हैं हमें क्यों काम करना चाहिए, तो उसका विचार एक ही मन में आता है कि हरियाणा की जनता 2,80,00,000 लोग, अब ये केवल जनता नागरिक नहीं है, इसको मैं अपना परिवार मानता हूं। मेरे परिवार के 2,80,00,000 लोग हैं, तो अपने परिवार के लोगों के लिए तो काम हर कोई करता ही है ना। क्यों भाई करता है ना? हमारी बात अच्छी लग रही है कि नहीं, पता तो लग नहीं रहा। अगर सहमत है तो हमको बताइए ये बात अच्छी है कि नहीं है। अब चूंकि हमारा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से हमारा लिंक जुड़ चुका है, तो मैं अपनी बात कुछ बचेगी तो बाद में करूंगा, वरना ये 1 घंटे का जो कार्यक्रम है, अब प्रधानमंत्री जी के कार्यालय की तरफ हम चलते हैं।